हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट पार्ट्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट पार्ट्स में हम प्लांट के पार्ट्स की बेसिक स्टडी करेंगे। आप लोगों ने अपने चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइजेस के प्लांट्स देखे होंगे। प्लांट्स को जब हम देखते हैं तो हमें उसके दो पार्ट समझ में आते हैं। एक होगा अबव द ग्राउंड पार्ट, जिसको हम शूट सिस्टम कहते हैं, और दूसरा पार्ट जो बिलो द ग्राउंड होता है वो रूट सिस्टम कहलाता है। शूट सिस्टम पौधे का एरियल पार्ट होता है, ग्राउंड के ऊपर का पार्ट होता है जो कि हमें नजर आता है, और रूट सिस्टम वो पार्ट जो ग्राउंड के अंदर है और हमें नजर नहीं आता है। ओके, शूट सिस्टम में बड्स आती हैं, और क्या दिखता है बच्चों आपको? लीफ होंगी, फ्लावर होगा और स्टेम होते हैं, और ब्रांचेस होंगी। इस तरह से ये पूरा का पूरा एरियल पार्ट जो हमें ग्राउंड के ऊपर नजर आता है, हम उसे शूट सिस्टम कहते हैं। दूसरा पार्ट जो ग्राउंड के नीचे का पार्ट है वो रूट सिस्टम कहलाता है, जिसमें रूट्स आती हैं। ओके, अब हम डिटेल में रूट सिस्टम की स्टडी करेंगे। रूट सिस्टम की स्टडी करने से पहले हम ये जान लें कि रूट्स अराइज कहाँ से होती हैं। जब कोई भी सीड जर्मिनेट करता है तो उसमें से रेडिकल और प्लूम्यूल निकलते हैं। प्लूम्यूल अपराइट जाता है और शूट सिस्टम बनाता है, और रेडिकल जो होता है वो डाउनवर्ड जाता है और रूट सिस्टम बनाता है। रूट सिस्टम भी टू टाइप्स के होते हैं, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। अब हम डिटेल में टैप रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। टैप रूट सिस्टम में रेडिकल ही मेन रूट का रोल प्ले करता है। रेडिकल ग्रो करके मेन रूट बना लेती है, जिसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं। प्राइमरी रूट से ही कई सारी सेकेंडरी रूट ओरिजिनेट होती हैं, इनको हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं, सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। ओके, प्राइमरी रूट ऊपर से ब्रॉड होती है और नीचे से नैरो होती है। जैसे कि आपने रेडिश, कैरेट ये सब देखा होगा, ऊपर से ब्रॉड है नीचे से नैरो है, ये टैप रूट का ही एग्जांपल है। तो प्राइमरी रूट ऊपर से ब्रॉड या थिक होती है और नीचे से ये थिन होती है। इन प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं। ओके, प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट्स ये कंपराइज होकर ये पूरा टैप रूट सिस्टम बनाता है। ओके बच्चों, तो टैप रूट सिस्टम का एग्जांपल क्या है? एग्जांपल्स ऑफ टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल है पी, मैंगो, मस्टर्ड और ग्राम। अगर इसे लर्न करना हो तो हम कैसे लर्न करेंगे? मैं इसके लिए एक निमोनिक बता देती हूँ आपको। पीएम मोदी जी, PMMG। जैसे कि पीएम मोदी जी हमेशा टॉप पे रहते हैं, उसी तरह हम लर्न कर सकते हैं कि टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल पीएम मोदी जी। पी फॉर पी मटर, एम फॉर मैंगो, एम फॉर मस्टर्ड एंड जी फॉर ग्राम। इस तरह से हम लर्न कर सकते हैं कि टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल पी, मैंगो, मस्टर्ड एंड ग्राम है। ओके, अब आते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम के ऊपर। फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है? जो रेडिकल होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, और वहां से यानी कि ये स्टेम का बेस है, स्टेम के बेस से कई सारी सेकेंडरी रूट्स अराइज हो जाते हैं। ये सेकेंडरी रूट्स हर डायरेक्शन में ग्रो करती हैं और सेम साइज की होंगी, सेम थिकनेस की होती हैं, सेम लेंथ की होती हैं, और हर डायरेक्शन में ग्रो करती हैं। ये ज्यादा डीप में नहीं जाती, जैसे टैप रूट सिस्टम में हमने देखा था वो डेप्थ में जा रही थी ग्राउंड में, तो ये ज्यादा डेप्थ में नहीं जाती, ये
शॉर्ट ढाई की होती हैं और सेम शेप एंड साइजेस की इसकी सारी ब्रांचेस समझ में आती हैं और ये छोटी ही होती हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाती। तो इसके एग्जांपल अगर हम देखें फाइब्रस रूट के, तो इसमें आ जाएगा जी से ग्रास। इसको हम जैसे आपने उसको निमोनिक से लर्न किया, इसको भी मैं एक निमोनिक से लर्न कराती हूँ, ग्रो जी आर ओ डब्ल्यू। जैसे कि मैंने आपको ये बताया ना कि फाइब्रस रूट हर डायरेक्शन में ग्रो करती है, फाइब्रस रूट हर डायरेक्शन में ग्रो करती है, तो हम इसको ग्रो से ही लर्न कर लेते हैं, जी आर ओ डब्ल्यू, जी से ग्रास, आर से हो गया राइस, ओ से हो गया अनियन एंड डब्ल्यू से हो गया व्हीट। ओके, तो ग्रो से हमने लर्न कर लिया फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ रूट। देखो बच्चों, वैसे तो रूट्स के कई सारे फंक्शंस हैं, बट मेन जो फंक्शन है रूट का, जो बेसिक फंक्शन है जो आपके कोर्स में है, वो है कि रूट जो है प्लांट को फॉर्मली ग्राउंड में फिक्स करता है। ठीक है, रूट्स फिक्स द प्लांट फॉर्मली टू द ग्राउंड। ठीक है, रूट्स प्लांट को फॉर्मली ग्राउंड में फिक्स करता है। दूसरा इसका काम है कि रूट्स जो है वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ये आपको लर्न करनी है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट रूट सिस्टम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रूट्स के मॉडिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।